Hello everyone, today we shall discuss the essay My Favorite National Hero, Martyr Abdul Hamid the Tank Buster, और हिंदी में इसको कहेंगे मेरा प्रिय राष्ट्रीय नायक शहीद अब्दुल हमीद टैंक विध्वंसक। Now let's start the essay। A national hero, एक राष्ट्रीय नायक, इज ए पर्सन, एक व्यक्ति होता है, हु इज़ ऑलवेज रेडी, जो हमेशा तैयार रहता है, टू सेक्रीफाइस, बलिदान देने के लिए, हिज लाइफ, अपना जीवन, फॉर द सेक, सेक मीन्स लिए या खातिर, ऑफ हिज नेशन, अपने राष्ट्र की खातिर, अपने देश की खातिर, अपने देश के लिए। एक राष्ट्रीय नायक एक व्यक्ति होता है जो हमेशा अपने देश की खातिर अपने जीवन को बलिदान करने के लिए तैयार रहता है। देयरफॉर, इसलिए, माय फेवरेट नेशनल हीरो, मेरा प्रिय राष्ट्रीय नायक, इज है, मार्टर कंपनी क्वार्टर मास्टर हवलदार अब्दुल हमीद, शहीद कंपनी क्वार्टर मास्टर हवलदार अब्दुल हमीद। इसलिए मेरा प्रिय राष्ट्रीय नायक शहीद कंपनी क्वार्टर मास्टर हवलदार अब्दुल हमीद है। ही इज़ पॉपुलरली नोन, उसको लोकप्रियता के साथ जाना जाता है, एज वीर अब्दुल हमीद, वीर अब्दुल हमीद की तरह, शहीद अब्दुल हमीद, शहीद अब्दुल हमीद की तरह, अब्दुल हमीद द टैंक बस्टर, अब्दुल हमीद टैंक विध्वंसक, एंड अब्दुल हमीद द टैंक डिस्ट्रॉयर, तथा अब्दुल हमीद टैंक नाशक। उनको लोकप्रियता के साथ वीर अब्दुल हमीद, शहीद अब्दुल हमीद, अब्दुल हमीद टैंक विध्वंसक तथा अब्दुल हमीद टैंक नाशक की तरह जाना जाता है। अब्दुल हमीद वाज बोर्न, अब्दुल हमीद पैदा हुए थे, ऑन 1 जुलाई 1932, 1 जुलाई 1932 को, इन धामूपुर विलेज, धामूपुर गांव में, ऑफ डिस्ट्रिक्ट गाजीपुर, ज़िला गाजीपुर के, इन उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश में। अब्दुल हमीद उत्तर प्रदेश के ज़िला गाजीपुर के धामूपुर विलेज में 1 जुलाई 1932 को पैदा हुए थे। हिज फादर्स नेम वॉज मोहम्मद उस्मान, उनके पिता का नाम मोहम्मद उस्मान था, एंड मदर्स नेम वॉज सकीना बेगम, और माँ का नाम सकीना बेगम था। उनके पिता का नाम मोहम्मद उस्मान तथा माँ का नाम सकीना बेगम था। हमीद्स ब्लड, हमीद का खून, वॉज फुल, भरा हुआ था, ऑफ पेट्रियोटिज्म, देशभक्ति से, हमीद का खून देशभक्ति से भरा हुआ था। ही वॉन्टेड, वे चाहते थे, टू डेडिकेट, न्योछावर करना, हिज लाइफ, अपना जीवन, फॉर हिज नेशन, अपने राष्ट्र के लिए, वे अपने जीवन को अपने राष्ट्र के लिए न्योछावर करना चाहते थे। सो इसलिए, एट द एज ऑफ 20 ईयर्स, 20 वर्ष की आयु में, इन दिसंबर 1954, दिसंबर 1954 में, ही जॉइंड इंडियन आर्मी, वह भारतीय सेना में शामिल हो गए। इसलिए दिसंबर 1954 में 20 वर्ष की आयु में वह भारतीय सेना में शामिल हो गए। अब्दुल हमीद इज़ रिमेंबर्ड, अब्दुल हमीद को याद किया जाता है, एज द ब्रेवेस्ट हीरो, सर्वाधिक बहादुर नायक की तरह, ऑफ 1965 इंडो पाक वार, 1965 के भारतीय पाकिस्तानी युद्ध का। अब्दुल हमीद को 1965 के भारतीय पाकिस्तानी युद्ध के सर्वाधिक बहादुर नायक की तरह याद किया जाता है। वैन पाकिस्तान अटैक्ड इंडिया, जब पाकिस्तान ने भारत पर आक्रमण किया, अब्दुल हमीद्स बटालियन, तो अब्दुल हमीद की बटालियन को, वॉज गिवन, दी गई थी, द जॉब, काम, ऑफ होल्डिंग रोकने का, द एनिमी दुश्मन को, नियर द विलेज आसल उत्ताड़ गांव आसल उत्ताड़ के पास, ऑफ डिस्ट्रिक्ट तरन तारन पंजाब पंजाब के ज़िले तरन तारन के। जब पाकिस्तान ने भारत पर आक्रमण किया तो अब्दुल हमीद की बटालियन को पंजाब के ज़िले तरन तारन के गांव आसल उत्ताड़ के पास दुश्मन को रोकने का काम दिया गया। द एनिमी अटैक्ड दुश्मन ने आक्रमण किया, विद ए रेजिमेंट ऑफ पैटर्न टैंक्स पैटर्न टैंक्स की एक रेजिमेंट के साथ, दुश्मन ने पैटर्न टैंक्स की एक रेजिमेंट के साथ आक्रमण किया। हमीद हैड ओनली ए जीप हमीद के पास केवल एक जीप थी, फिटेड विद रिकॉइललेस गन एक रिकॉइललेस गन के साथ सुसज्जित, टू फेस सामना करने के लिए द पैटर्न टैंकों का। हमीद के पास पैटर्न टैंक्स का सामना करने के लिए एक रिकॉइललेस गन के साथ सुसज्जित केवल एक जीप थी। अब्दुल हमीद वॉज ए ग्रेट शूटर अब्दुल हमीद एक महान निशानेबाज थे। He was a very tactful and intelligent soldier. He was वह थे a very tactful एक बहुत चातुर्यपूर्ण and intelligent soldier और बुद्धिमान सैनिक। वह एक बहुत चातुर्यपूर्ण और बुद्धिमान सैनिक थे। He used उन्होंने प्रयोग किया the tall cotton crop ऊंची कपास की फसल का, ग्रोइंग इन द फील्ड्स खेतों में उगी हुई, टू हाइड छिपाने के लिए हिज पोजीशन अपनी स्थिति उन्होंने अपनी स्थिति को छुपाने के लिए खेतों में उगी हुई ऊंची कपास की फसल का प्रयोग किया। व्हेन द टैंक्स केम जब टैंक आए, विद इन शूटिंग डिस्टेंस निशाना लगाने की दूरी के अंतर्गत, हमीद फायर्ड हमीद ने दागे एक्यूरेट शॉट्स अचूक गोले ऑन देम उन पर। जब टैंक निशाना लगाने की दूरी के अंतर्गत आए तो हमीद ने उन पर अचूक गोले दागे। By the end of the day दिन के अंत तक, हमीद हैड डिस्ट्रॉयड हमीद नष्ट कर चुके थे, वन बाई वन एक एक करके, फोर टैंक्स चार टैंकों को। दिन के अंत तक हमीद ने एक एक करके चार टैंकों को नष्ट कर दिया था। The next morning अगली सुबह, पाकिस्तानी पैटर्न टैंकों ने अगेन अटैक्ट दोबारा से आक्रमण किया। अगली सुबह पाकिस्तानी पैटर्न टैंकों ने दोबारा से आक्रमण किया। बट हमीद वॉज लाइक एन आयरन वॉल बिफोर देम बट हमीद लेकिन हमीद वॉज थे लाइक एन आयरन वॉल एक लोहे की दीवार के समान, बिफोर देम उनके सामने, लेकिन हमीद उनके सामने एक लोहे की दीवार के समान थे। ही अगेन डिस्ट्रॉयड उन्होंने दोबारा से नष्ट कर दिए, वन बाय वन एक एक करके, थ्री टैंक्स तीन टैंक्स उन्होंने दोबारा एक एक करके तीन टैंकों को नष्ट कर दिया। बट दिस टाइम लेकिन इस बार, द एनिमी हैड स्पॉटेड हिम दुश्मन ने उनको चिन्हित कर लिया था, लेकिन इस बार दुश्मन ने उनको चिन्हित कर लिया था। स्पॉटेड का मतलब चिन्हित करना। नाउ द एनिमी टर्न्ड नाउ मीन्स अब, द एनिमी टर्न्ड दुश्मन ने मोड़ दिए, ऑल हिज मशीन गन्स अपनी सभी मशीन गनों को, एंड टैंक्स और टैंकों को, टुवार्ड्स हमीद की तरफ। अब दुश्मन ने अपनी सभी मशीन गनों तथा टैंकों को हमीद की तरफ मोड़ दिया। बट हमीद वॉज ए वेरी ब्रेव एंड करेजियस सोल्जर। एक बहुत बहादुर और साहसी सैनिक थे। ही वॉज नॉट रेडी टू मूव बैक। वे तैयार नहीं थे टू मूव बैक, पीछे हटने के लिए तैयार नहीं थे। ही कंटिन्यूड, उन्होंने जारी रखा, टू फायर, गोले दागना, ऑन द टैंक्स, टैंकों पर गोले दागना जारी रखा। ही डिस्ट्रॉयड, उन्होंने नष्ट कर दिया, वन एनदर टैंक, एक और टैंक नष्ट कर दिया। बट दिस टाइम, लेकिन इस बार, ही वॉज मोर्टली वुंडेड, वह घातक रूप से घायल हो गए। मोर्टली मीन्स घातक रूप से, वुंडेड मीन्स घायल होना। लेकिन इस बार वह घातक रूप से घायल हो गए। बाई ए हाई एक्सप्लोजिव, एक उच्च विस्फोटक के द्वारा। घायल हो गए। दस एट लास्ट, इस प्रकार आखिर में हमीद लेड डाउन, हमीद ने न्योछावर कर दिया हिज लाइफ, अपना जीवन, फाइटिंग, लड़ते हुए, पैटर्न टैंकों से, ऑन 10 सितंबर 1965, 10 सितंबर 1965 को। इस प्रकार हमीद ने 10 सितंबर 1965 को पैटर्न टैंकों से लड़ते हुए अपना जीवन न्योछावर कर दिया। अब्दुल हमीद डिस्ट्रॉयड, अब्दुल हमीद ने नष्ट किए, टोटल 8 पाकिस्तानी पैटर्न टैंक्स, कुल 8 पाकिस्तानी पैटर्न टैंक। विद हिज 106 रिकॉइललेस गन, अपनी 106 रिकॉइललेस गन से, अब्दुल हमीद ने अपनी 106 रिकॉइललेस गन से कुल 8 पाकिस्तानी पैटर्न टैंकों को नष्ट किया। नेवर इन द हिस्ट्री ऑफ वारफेयर, युद्ध के इतिहास में, हैव सो मैनी टैंक्स बीन डिस्ट्रॉयड, इतने सारे टैंकों को कभी नष्ट नहीं किया गया। बाई एनी इन्फेंट्री मैन, किसी पैदल सेना के जवान के द्वारा, सिंगल हैंडेडली, अकेले ही। युद्ध के इतिहास में किसी पैदल सेना के जवान के द्वारा अकेले ही अपने दम पर इतने सारे टैंकों को कभी भी नष्ट नहीं किया गया। ही वॉज अवॉर्डेड, उनको सम्मानित किया गया था, इंडियाज़ हाईएस्ट वॉर टाइम गैलेंट्री अवॉर्ड, परम वीर चक्र, भारत के सर्वोच्च युद्धकाल के शौर्य पुरस्कार परम वीर चक्र से। सम्मानित किया गया। फॉर हिज सेल्फलेसनेस, अपनी निस्वार्थता के लिए, डॉग्ड डिटर्मिनेशन, दृढ़ निश्चय के लिए, एंड रॉ करेज, और प्राकृतिक साहस के लिए। उनको अपनी निस्वार्थता, दृढ़ निश्चय तथा प्राकृतिक साहस के लिए भारत के सर्वोच्च युद्धकाल के शौर्य पुरस्कार परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया। अब्दुल हमीद इज ए सिंबल, अब्दुल हमीद एक प्रतीक हैं, ऑफ पेट्रियोटिज्म, देशभक्ति के। अब्दुल हमीद देशभक्ति के एक प्रतीक हैं। ही इज़ ए ग्रेट इंस्पिरेशन, वह एक महान प्रेरणा है, टू द यूथ्स ऑफ मॉडर्न इंडिया, आधुनिक भारत के युवाओं के लिए। एक महान प्रेरणा है। ही इज़ द ट्रू नेशनल हीरो, वह वास्तविक राष्ट्रीय नायक हैं, ऑफ इंडिया, भारत के। वह भारत के वास्तविक राष्ट्रीय नायक हैं। Now it is the end of the topic and thanks for watching and learning, and in next video we shall discuss another important topic. Till then, goodbye.